अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत को वर्ष 2025 के अंत तक यूरिया आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पारंपरिक यूरिया और नैनो तरल यूरिया का घरेलू उत्पादन देश की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहने की उम्मीद है। वर्तमान में देश का यूरिया उत्पादन 260 लाख टन है, जबकि स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए लगभग 90 लाख टन का आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि हम 2025 के अंत तक यूरिया मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आयात पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। वहीं पारंपरिक यूरिया और नैनो यूरिया का हमारा घरेलू उत्पादन मांग से अधिक होगा। वहीं मंत्री ने कहा कि पारंपरिक यूरिया के लिए लगभग 60 लाख टन उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, जबकि नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़कर 44 करोड़ बोतल यानी कि प्रतिवर्ष होने का अनुमान है, जो 200 लाख टन पारंपरिक यूरिया के बराबर होगा। वहीं बता दें कि किसानों ने नैनो यूरिया को अच्छी तरह अपनाया है, जो बहुत उत्साहजनक है। साथ ही बता दें कि पोषक तत्व मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ फसल की उपज बढ़ाने के लिए भी ये प्रभावी है। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आयात में कमी होने से सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वहीं नैनो यूरिया की एक बोतल यूरिया की एक बैग के बराबर होती है। उसके उपयोग से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण में प्रभावी रूप से कमी आ सकती है, जो उत्पादन और खपत दोनों स्तरों पर रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल की वजह से होता है। मौजूदा समय में नैनो यूरिया का उत्पादन 5 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष का हो रहा है। प्रमुख सहकारी कंपनियां इफ्को ने बाजार में अभिनव नैनो यूरिया पेश किया है। वहीं बता दें कि इसका वाणिज्यिक उत्पादन 1 अगस्त 2021 को गुजरात के कलोल में इफ्को के संयंत्र से शुरू हुआ। वहीं बता दें कि इफ्को के साथ साथ दो अन्य कंपनियाँ RCF और NFL द्वारा 7 और नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए। वहीं इफ्को ने नैनो यूरिया प्रौद्योगिकी को इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मुफ्त में हस्तांतरित किया है। वहीं नैनो यूरिया के उपयोग से किसानों की आय में औसतन 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वृद्धि का अनुमान है। नैनो यूरिया के उपयोग से परिवहन लागत कम होगी और छोटे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। वहीं कुल उर्वरक सब्सिडी बिल के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में इसके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में अकेले यूरिया पर करीब 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिए जाने का अनुमान है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP बता दें कि 270 के लगभग बता दें प्रति बोरी ये है, जबकि सब्सिडी प्रति बोरी 2300 रुपए है। मैं इफ्को नैनो यूरिया को 240 रुपए प्रति बोतल की दर से बेच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।